शकुंतला देवी। मानव कंप्यूटर 7 6 8 6 3 6 9 7 7 4 8 7 0 ×2 4 6 5 0 9 9 7 4 5 7 7 9। अगर आपको इन 13 डिजिट ×13 डिजिट संख्याओं का आंसर पूछा जाए तो आप बोलोगे क्या मजाक है। पर आपको बोला जाए कि इसका आंसर अगर कोई इंसान बिना कंप्यूटर के बिना कैलकुलेटर के महज 28 सेकंड में दे दे तो आप बोलोगे यार ये इंसान तो मानव कंप्यूटर है। जी हाँ, ये मानव कंप्यूटर और कोई नहीं, ये है शकुंतला देवी। और इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश मेनारिया और आज के इस वीडियो में आपको मानव कंप्यूटर कही जाने वाली शख्सियत श्रीमती शकुंतला देवी के बारे में रोचक जानकारी बताने वाला हूं। 4 नवंबर 1929 बेंगलुरु में जन्मी थी शकुंतला देवी, जिनके पिता सर्कस के कलाकार थे। बात तब की है जब ये 3 साल की थी। एक दिन अपने पिताजी के साथ ताश का खेल खेल रही थी। नंबरों की समझ तथा याद रखने की क्षमता ने इनके पिताजी को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। पिताजी सर्कस छोड़कर सड़कों के किनारे शकुंतला देवी के साथ शो किया करते थे। वहाँ पर लोग शकुंतला देवी से गणित के जटिल प्रश्न पूछा करते थे और जहाँ पर ये चुटकियों में उनके आंसर दे दिया करती थी। अब बात करते हैं जब शकुंतला देवी 6 साल की थी। जी हाँ, मात्र 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में अपने अंक गणित की क्षमता का प्रदर्शन कर वहां की फैकल्टी को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। अंकों की जादूगरी इन्होंने केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी दिखाई। बात है 1977 की। जगह थी डलास यूनिवर्सिटी अमेरिका। 201 अंक की एक संख्या का 23वां मूल 23rd रूट महज 50 सेकंड में निकालकर शकुंतला देवी ने उस समय के सुपर कंप्यूटर यूनिवेग को पछाड़ दिया था, जिसने 62 सेकंड का समय लिया था। ऐसे ही इन्हें सुपर कंप्यूटर नहीं कहा जाता, असल में तो इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब बात करते हैं उस लम्हे की जब शकुंतला देवी ने भारतीयों की प्रतिभा का डंका संपूर्ण विश्व में बजाया। महीना था जून, साल था 1980, जगह थी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। हजारों लाखों लोगों के सामने इनसे प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था 13 अंक ×13 अंक की एक संख्या का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जिसका कि आंसर इन्होंने मात्र 28 सेकंड में दे दिया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इस लम्हे का वर्णन 1982 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के संस्करण में आज भी है। शकुंतला जी बड़ी संख्याओं का गुणा व घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालने में विशेष रुचि रखती थी। दोस्तों, यदि आप भी क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। गणित के अलावा इनकी रुचि एस्ट्रोलॉजी में भी थी। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है, पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिनमें द बुक ऑफ नंबर्स, अवेकन द मैथ जीनियस इन योर चाइल्ड, द वंडरलैंड ऑफ वंडर आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। 21 अप्रैल 2013 को वो दिन भी आया जब मानव कंप्यूटर कहलाने वाली ये शख्सियत हमारे बीच नहीं रही। इनके 84वें जन्मदिवस यानी कि 4 नवंबर 2013 को गूगल ने गूगल डूडल पर इनको विशेष सम्मान दिया। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैंने शकुंतला जी के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, परंतु उनकी प्रतिभा व उनसे जुड़े किस्से अनंत हैं। दोस्तों, शकुंतला देवी के जीवन पर हाल ही में एक फिल्म बनी है जिसमें अभिनेत्री विद्या बालन शकुंतला जी का रोल कर रही है। आप फिल्म जरूर देखें, 31 जुलाई को अमेजन प्राइम पे इसकी स्ट्रीमिंग होने वाली है। 50 से ज्यादा देशों में करने वाली और अपनी क्षमता का लोहा मनवाने वाली शकुंतला देवी बहुत गरीब परिवार में जन्मी थी और इनकी औपचारिक शिक्षा तो कभी हो ही नहीं पाई थी, फिर भी ये गॉड गिफ्ट थी और इंग्लिश बड़ी फर्राटे से बोल लेती थी। दोस्तों, ज्ञान किसी में भेदभाव नहीं करता, रंग, धर्म, जाति कुछ नहीं देखता। शकुंतला देवी का भी यही मानना था। उनके अनुसार नंबर कागज पर लिखे केवल संकेत मात्र नहीं थे, उनमें भी अपनी जिंदगी थी, जिंदगी है। मानव कंप्यूटर नाम से विश्वविख्यात
शकुंतला देवी ने दुनिया को गणित के नए आयाम सिखाए और यह बताया कि अगर गणित से प्यार किया जाए तो कठिन से कठिन सवालों के जवाब चुटकियों में निकाले जा सकते हैं। आइए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस महान गणितज्ञ के बारे में बताएं, जिससे भारत के बेटे बेटियां भी इनकी कहानी से प्रभावित होकर शकुंतला देवी बन सके, मानव कंप्यूटर बन सके। धन्यवाद।